नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन और आपका मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि कोरोना का प्रभाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके वजह से ये जो लॉकडाउन है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लॉकडाउन है उसका जो प्रभाव है वो अपने दिल और दिमाग पर पूरी तरह हो चुका है। आपको लॉकडाउन में घर पे रहना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इसका अभ्यास तो नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें आपको करनी पड़ रही है और इसके वजह से जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है। दोस्तों पहले लोगों में ये समस्या थी कि वो घर और ऑफिस के वर्क में संतुलन नहीं बना पा रहे थे, घर के लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के वजह से उनके पास बहुत सारा वक्त है, वो अपने घर वालों को दे सकते हैं। ऐसे समय आपका मानसिक स्वास्थ्य तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप परिवार से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप मीडिया सोशल मीडिया से दूर नहीं रहोगे, उसमें संपर्क कम करोगे, तब तक आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ा रहेगा। तो दोस्तों लंबे समय तक आप अगर अकेले रहते हो तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है और उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, यहाँ तक कि डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो आप ला सकते हो। दोस्तों तो ऐसी कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सुधर जाए। दोस्तों इसमें पहला तरीका जो है दोस्तों वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, स्वयं से बात करने की ये एक उत्तम विधि है। दोस्तों अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप आपकी अंतर आत्मा की आवाज सुनते हो, क्योंकि अंतर आत्मा जो होती है वो हर परिस्थिति में सही होती है। तो मेडिटेशन करने से आपकी जो मन की जो स्वास्थ्य है वो आप बनाए रखते हो, आपका जो खालीपन है वो दूर हो जाता है और आप अपने खुद से बात करने लगते हो। दोस्तों तो आपकी जो जिंदगी है वो खुश हो जाती है, आप अपना स्वास्थ्य जो है वो बनाए रखते हो, आप वर्तमान में जीना सीख जाते हो। दोस्तों भौतिक जो चीजें होती है उसमें खुशी ढूंढना आप छोड़ देते हो और आप आपकी खुशी खुद में ढूंढने लगते हो और उससे आप खुश रहना सीख जाते हो। दोस्तों मेडिटेशन से आप खुद पर नियंत्रण ला सकते हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है और इससे आपका जो जीवन है वो खुशमय हो जाता है। दोस्तों मेडिटेशन से आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और उससे आपकी जो समस्याएं है उनको देखने का जो नजरिया है दोस्तों आपका वो बदल जाता है और वो समस्या कितनी भी डिफिकल्ट हो आप उसको इजी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है दोस्तों वो है आपके कामों की आप लिस्ट बनाओ। आपका जो खाना पीना या फिर सोना जो है वो आप टाइम पे करो। लॉकडाउन में मैंने देखा है ज्यादातर लोग लेट देर तक जागते हैं, लेट उठते हैं और आप उनका जो खाना पीना जो रहता है उसका कुछ टाइम जो है वो निश्चित नहीं रहता, इसके वजह से आपका जो चिड़चिड़ापन है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं सलाह दूंगी कि आप जो है आपके कामों का लिस्ट बनाए और लिस्ट के अनुसार आपका जो काम है वो करे, तो इससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी कि आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है और आपकी स्वास्थ्य जो है वो भी बनाए रहेगी। दोस्तों और नेक्स्ट जो तरीका है आपको वो है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स यानी कि आपका जो फोन, लैपटॉप या टीवी, जो भी सोशल जो मीडिया है वो उनसे आपको दूर रहना है। हालांकि आप घर पर रह के ही काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, उसके लिए आप गैजेट्स पर चिपके रहते हो, तो ऐसा करना भी जरूरी है दोस्तों, लेकिन आप आपका फोन, टीवी, मोबाइल इनसे थोड़ा सा समय निकाले, इनसे थोड़ा सा एक दो घंटा दूर रहे और अपने घर पे जो आपके घर के जो सदस्य है उनसे बात करें, उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास करें, तो इससे जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो बनाए रहेगा। दोस्तों इसके अलावा और एक तरीका है दोस्तों, वो है कि आप आपके दिमाग को व्यस्त रखें। आप घर पे ऑफिस का काम कर रहे हो, इसके वजह से आपका दिमाग तो व्यस्त है ही, लेकिन ज्यादातर वो काम करने से आपका चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके अलावा आप आपके दिमाग को व्यस्त रखने के लिए बालकनी में गार्डनिंग करें, आप पेंटिंग करें, आपकी जो भी हॉबीज है दोस्तों उस हॉबीज को पूरी करें, उससे आपकी जो चिड़चिड़ापन है वो कम हो जाएगा, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। इससे जो आपको जो तनाव महसूस हो रहा है लॉकडाउन में, इससे आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन, वो भी आपको कम होने में मदद करेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, वो है एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना। व्यायाम जो है वो मानसिक रूप को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों
आप अगर एक दिन में एक आधा या एक घंटा भी हल्का सा व्यायाम कर लेते हो तो आपको जो है आपको बहुत बेहतर महसूस होता है दोस्तों। आप आसान तरीके का जो एक्सरसाइज है वो प्रयास करने का प्रयत्न करें दोस्तों। बस अपने शरीर को थोड़ा हिलाए, हिलाने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, उससे आपको बहुत बेहतर महसूस होता है। आपका जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो दूर होने में आपको मदद मिलती है दोस्तों। तो ये सब तरीके आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बनाए रखने के लिए दोस्तों। तो आप इस लॉकडाउन को पॉजिटिव वे से ले, इसको बिल्कुल भी निगेटिव वे से ना ले, इससे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। तो आप घर पे रह के ये जो तरीके है ये आजमा है और आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है दोस्तों वो बनाए रखे और जो भी साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकते है लॉकडाउन में उससे बचिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।